विघ्नेशरं विघ्नहत्यै वाणीं वाचा प्रवर्तये गुरुन गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत पादं शंकरं लोक शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईशरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम वद व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैकतां जान्निधौ निमग्नौ ब्रह्मांड भाण्डौ उदरवर्तमानां अद्वैत सिद्धांत प्रदाततां वरं ते शंकराचार्य नमामः। वामे भूमिसुता पूर्वस्य हनुमान् प्रस्थे सुमित्रा सुता शत्रुघ्नो भरतस्य पार्षदलयो वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये श्रीनील सरोज ओ मलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। अखिल भारतीय संत समिति के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी वामदेव जी महाराज जी को स्मरण और नमन करते हुए अखिल भारतीय संत समिति भारत के अनेक प्रदेशों के सभी महामंडलेश्वर महामंत्री सभापति सभी संत वृंद सभी विद्वज्जन विप्रवृंद विश्व हिंदू परिषद से दिनेश जी स्थानीय विधायक जी अशोक बाबा जी उनकी पूरी समिति इस आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी सम्मानी आनंद भैया जी को स्मरण और नमन करते हुए एवं महामंडलेश्वर
विजयदास जी, भैया जी, उपस्थित सभी श्रद्धालु महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, वाणी के पुष्पों से भगवत नाम स्मरण करते हुए हृदय के उद्गार कुछ क्षण के लिए रखना चाहेंगे, समय को परखते हुए। नारायण सोई राम कहाए, नारायण सोई राम कहाए, लक्ष्मण से रूप हुई आए, नारायण सोई राम कहाए, नारायण सोई राम कहाए, लक्ष्मण से रूप हुई आए, लक्ष्मण सोई शंख भरत नारायण सोई राम कहाए, नारायण सोई राम कहाए, लक्ष्मण से स्वरूप होई आए, लक्ष्मण से स्वरूप होई आए, शंख भरत है चक्र चात्रु है, तब भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, आदि एक नारायण नामा, आदि एक नारायण नामा, दिल के नाभि कमल एक जामा, दिल के नाम कमल एक नामा, कमल मोही ब्रह्मा उपजाए, सनक सनंदन सनत कुमारा और सनंदन चारि प्रकारा, भगवान नारायण की नाभि से बोल तो दो, भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मानस से सनकादि प्रकट हुए, तो ये सृष्टि का आरंभ हो, इसलिए आज भी कहा जाता है भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया उसी का नाम चतुर्श्लोकी भागवत है। क्या नाम है? चतुर्श्लोकी भागवत। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को पहले उपदेश किया, ब्रह्मा ने सनकादिक
सनकादिक ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और वही आज परंपरा हमारी चल रही है। इसलिए जरा ध्यान रखना, आज भी सब सृष्टि में सबसे पहले जल में, बोलो बोलो, पंकज हुआ है, पंकज कमल हुआ है। आज भी इसलिए भगवत महिमा की विशेषता देने के लिए नेत्रों को भी कमल कहा गया, हृदय को भी कमल कहा गया, चरण को भी कमल कहा गया, हाथ को भी कमल कहा गया, और सर्वत्र बोल तो दो, आवाज नहीं आई। इसलिए कमल, अगर आप चरण कमलों का ध्यान करेंगे तो हृदय कमल तक पहुंच जाएंगे, राम जी तक पहुंच जाएंगे। कमल का ध्यान रहेगा तो राम जी तक पहुंच पाएंगे। अगर कमल बोल तो दो ना, इसलिए सर्वत्र मुख कमल, नेत्र कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, चरण कमल, भगवान के चरणों में। इसलिए वो महिमा स्वयं स्मरण दिलाते हैं। आज बहुत कुछ नहीं, चार श्लोक की भागवत, चार श्लोक की भागवत हरि ने दियो सुनाए, सुन करके मनमोहन मिले, भव सागर तर जाए। चार श्लोक की भागवत, कितने श्लोक हैं? सबसे पहले कहा अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत् सत् परम् पश्चादहम् यदेतच्च यो वशिष्ये सोऽस्म्यहम्। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान नारायण थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी बोल तो दो, जब सृष्टि नहीं थी तब कौन थे? नारायण थे। और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब कौन रहेंगे? और सृष्टि के रूप में कौन है? तो नारायण सोई राम कहाए। जरूरत नहीं है, राम राम की तो सर्वत्र जरूरत है, लेकिन बाद में दूसरे लोग गवाही देते हैं राम नाम सत्य है, तब राम के साथ नाम बोलते हैं और राम के साथ सत्य बोलते हैं। इसलिए सत्य सत्य को अभी रहने दो, सत्य को रहने दो, पर सत्य का उपयोग होने दो, पर सत्य सत्यम त्रिकालावाध्यम, सत्य का तीनों काल में कभी अभाव नहीं है। इसलिए शुरुआत की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। सत्यम त्रिकालावाध्यम, सत्य तीनों काल में है। इसलिए जो सत्य है, सत चित्त में है, और चित्त के अधिष्ठात्र देवता वासुदेव है। चित्त के देव बोलते दो ना, चित्त के देव वासुदेव है, मन के देव चंद्रदेव है। मन में चंद्र, बुद्धि में ब्रह्मा, और चित्त में वासुदेव आश्रमा। अहंकार के
स्वामी शंकर और करत रहत है कर्म भयंकर भयंकर कर्मों के करने वाले देवादिदेव महादेव रुद्रदेव और हनुमान जी हैं। चित्त के वासुदेव है, इसलिए चित्त का कार्य चिंता करना भी होता है और चिंतन करना भी होता है। इसलिए याद रखना है, एक कार्य को छोड़ देना है और एक कार्य को करना है। क्या करना है? चिंता छोड़ देनी है और चिंतन करना है। तान सोच सोचान विदान सोचे हरे कथायाम कथा सुसारम। इसलिए भक्ति ने चिंता छोड़ दी। नारद जी ने कहा, अरे बेटी वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरण धो स्मर दुखम कमस्यति। भगवान के चरणों का चिंतन करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। तो चिंता करोगे तो शोक करना पड़ेगा और चिंतन करोगे तो आनंद मिलेगा। चिंता का परिणाम, क्योंकि चित्त के अधिष्ठात्र देव वासुदेव हैं और वासुदेव कहते हैं चिंता नहीं, क्या करो? चिंतन करो। क्या करो? चिंतन। तो चिंता का त्याग करके चिंतन में लगोगे तो आनंद की अनुभूति होगी और चिंता करोगे तो शोक करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, बेटी किसको कहा? भक्ति को कहा। किसको कहा? तुम व्यर्थ में चिंता करती हो, व्यथा खेद ऐसे वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरण भोज स्मर दुखम गमस्यति। भगवान के चरणों का चिंतन करो, तुम्हारा दुख बोल दो दुख तो दूर हो जाएगा। दुख की आंतरिक जो निवृत्ति होती है, वेदांत का सिद्धांत भी इस बात को प्रतिपादित करता है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरो तरा पाए पाया दा अपवर्गा। दुख का कारण जन्म है, दुख का कारण जन्म है और जन्म का कारण शुभ और अशुभ प्रवृत्ति है। दुख का कारण क्या है बोल दो? आवाज नहीं आई है। प्रसादी का सब संत लोग इंतजार कर रहे हैं, उसी पंगत में हम भी हैं। दुख का कारण जन्म है और जन्म का कारण शुभ और अशुभ प्रवृत्ति है। इसलिए जरा शुभ अशुभ प्रवृत्ति का एक उदाहरण याद कर लो। पानी में बहने लगा, याद आया? पानी में बहने लगा हिरणी का वो लाल, पानी में बहने लगा हिरणी का वो लाल, भरत निकाला दया कर लीन हो उसको पार। जो हरि श्री हरि हरि कर रहे थे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, उनको स्मरण आ गया हिरण मम शरणम। हिरण मम, मेरी शरण में हिरण है। और पहले वो अपने आप को कहते थे श्री हरि शरणम। इसलिए याद रखना, श्री हरि शरणम वाले को विस्मृति हो गई और वो क्या करने लगे? हिरण मम शरणम,
ये हिरण मेरी शरण में है, जब हिरण को अपनी शरण में रख लिया तो हरि बिसर गए। और क्या याद आने लगा? हिरण याद आने लगा, हिरण याद आने लगा। और जब उनका शरीर पूरा हुआ तो क्या याद आया? अरे याद नहीं आए, हिरण याद आया। इसलिए शास्त्र कहते अंत मति सो सो गति। इसलिए क्या याद रखो, बोल दो, रोज रोज थोड़ा थोड़ा। इसलिए पुराण कहता है नित्यम भगवत सेवया भगवत उत्तमस लोके भक्तिर भवती नेष्ट की। नित्य याद रखो, क्या याद रखो बोल तो दो। तो इसमें से पुराण में से पहला याद रखो, भात यद सर्वलोकेषु गातत्रियस्य अलौकिकी वा वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तातरण यदि भवान बुधौ। समस्त लोकों को जो प्रकाशित करती है उसका नाम भा। क्या नाम है? आवाज नहीं आई? भा। भातियत सर्वलोकेषु, समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाली। गा गतिर्यस्य अलौकिकी, जिसकी अलौकिक गति मुक्ति है। गा आगे क्या है? और गा के आगे वा वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में जो वरिष्ठ है श्रेष्ठ है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में वरिष्ठ हो गया है जो, बड़ा हो गया है जो। ता तरण यदि भवाम बुधौ, और भव सागर से पार करने की नाव बन गए। क्या बन गए बोल तो दो। अब तरण लो, नाव भी है, नौका भी है, मल्ला भी है। अजी नाव भी है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा, भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ताकर दृढ़ गावा। राम कथा को नाव कह रहे हैं। और नाविक में करण धारु सदगुरु दृढ़ नावा, गुरु को मल्लाह कह रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं नान्या कश्चित भगवता वासुदेव कृष्ण बिना, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इस नाव को चलाने वाला नहीं हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कृष्ण ने नौका विहार भी किया। क्या किया? नाव दिन में चलती है अजी, और सांझ को नाव शाम को संध्या के समय नहीं चलाई जाती है। नाव संचालन करने की पद्धति ऐसी है, लेकिन नाम वाली नाव तो रात ही चलती है। राम वाली नाव रात ही चलती है, लेकिन कन्हैया वाली नाव वो शाम को नहीं चलती है, भोर से चलना चालू करती है। भगवान कहते हैं क्यों? उनके साथ ग्वाल बाल हैं और उनको खेलने में आनंद आता है। बालका नाम की दास पदम जगत, क्योंकि बच्चों को खेल बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए मैं थोड़ी बात रखते हुए, बोलने वाले को परिश्रम अधिक होता है और सुनने वाले को लाभ अधिक होता है। इसलिए हमको परिश्रम तो हो रहा, भंडारा पूरे तरीके से तैयार है और वहां इंतजार भी हो रहा है। एक अनुरोध तो हम लोग कर सकते हैं बीच में, कि यदि हमें 7 दिन का समय मिल जाए तो हमें तो आनंद ही आनंद आएगा। लेकिन बाबा मान जाएं जब है ना, बाबा मान जाएं और हम पर सब पर कृपा कर दें और 7 दिन एक एक घंटा ही दे दें हमें। आ तो कन्हैया ने नाव चलाई। जरा ध्यान देना, जीर्णात्री नाव जीर्ण है, नाव पुरानी नाव, पुरानी नाव। और लकड़ी की नाव में कमी आ जाती है कि जब वो पुरानी हो जाती है तो लकड़ी कमजोर हो जाती है और उसमें जल अंदर रिसने का डर बना रहता है। जीर्णात्री
नाव जीर्ण हो गई है, नाव पुरानी हो गई है। सरित तीर गंभीर नीरा और यमुना जी किनारे पर गहरी हो गई है। यमुना जी बोल दो, सरित तीर गंभीर नीरा, यमुना जी किनारे पर बहुत गहरी हो गई है। पक्षोषितोष, कृष्ण पक्ष है, अंधेरा पखवारा है। जलधेन रुद्धा और लहरें मार्ग को अवरुद्ध कर रही, नाव को रोक रही। इतने में ग्वालों ने क्या कहा, कन्हैया वाला वयम सकल मिली मनर्थ है, तो आज हम सब ग्वालों का अनर्थ इकट्ठा हो गया। बोले क्यों? बोले नाव पुरानी है, यमुना जी किनारे पर ही बहुत गहरी है, नाव में पानी भर रहा है, कृष्ण पक्ष है, अंधेरा पखवारा है और लहरें उत्पन्न होकर के मार्ग को रोक रही हैं। तो मधुमंगल ने ताली बजाते हुए कहा, जैसे मधुमंगल ने ताली बजाई और उनके साथियों ने रसिया गाना आरंभ किया। बोले क्या, मेरी नाव तो पार जाएगी। श्रेयानयम त्वामसी संपति कर्ण धार, श्रेयानयम त्वामसी संपति कर्ण धार, हमारी नाव पार जाएगी। मधुमंगल ने ताली बजा करके कहा, भले नाव पुरानी हो, यमुना के किनारे पर बहुत गहरी हो, अंधेरा पखवारा हो, लहरें उत्पन्न होकर के नाव को रोक रही हो, लेकिन मेरी नाव को चलाने वाले भगवान कृष्ण हैं, इसलिए नाव तो पार जाएगी, नाव तो पार जाएगी, नाव तो पार जाएगी, इसलिए नाव मंदार में नहीं रुकती है, ये नाव तो पार ही लगती है। इसलिए चार पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए ध्यान रख लो, अभी अवसर पूरे भारत को मिल रहा है। धर्मम प्रसंगा पीना चरंती, अनुकूल समय है, प्रसंग बस प्राप्त हो रहा है। बोल दो, धर्मम प्रसंगा पीना चरंती, पापम प्रयतने क्षमा चरंती, आश्रय में तदहि मनुष्य लोके अमृतम परित्यज्य विषम पिबन्ति। अनुकूल अवसर है, धर्म के अनुकूल है, इसलिए अनुकूल अवसर का लाभ प्राप्त कर लो।